मस्तानी लंबी जुदाई रुत मस्तानी फिर आई याद पुरानी भूली बिसरी एक कहानी भूली बिसरी एक उसे तुमसे मोहब्बत है, गलतफहमी में मत रहना। उसे तुमसे मोहब्बत है, गलतफहमी में मत रहना। ये बस दिल की शरारत है, गलतफहमी में मत रहना। तुम्ही को देखकर वो मुस्कुराता है तो हैरत क्या, तुम्ही को देखकर वो मुस्कुराता है तो हैरत क्या। उसे हंसने की आदत है, गलत फहमी में मत रहना। उसे हंसने की आदत है, गलत फहमी में मत रहना। मैं तुझको चाहता हूँ, बात ये सच है मगर फिर भी। मैं तुझको चाहता हूँ, बात ये सच है मगर फिर भी। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, गलत फहमी में मत रहना। मुझे तेरी जरूरत है, गलत फहमी में मत रहना। उसे तुमसे मोहब्बत है, गलत फहमी में मत रहना। ये बस दिल की शरारत है, गलत फहमी में मत रहना। ये बस दिल की शरारत है, गलत फहमी में मत रहना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा, जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर
घर अंधेरों में, ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। I'm not afraid।
एक बात जो सिर्फ तुमसे ही करनी है। वो बात मैंने अब तक खुद से भी छिपा रखा है। मुलाकातों का वो दौर अब मुमकिन नहीं शायद। मुलाकातों का वो दौर अब मुमकिन नहीं शायद, इसलिए तुम्हारी एक तस्वीर मैंने अपने बटुए में सबसे छिपा रखा है। तुम्हारी एक तस्वीर मैंने अपने बटुए में सबसे छिपा रखा है, क्योंकि मुलाकातों का वो दौर अब मुमकिन नहीं शायद।
एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी वेलकम्स यू टू द प्रेस्टिजियस एनुअल सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024। दिस ईयर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो डॉक्टर एस सोमनाथ विल डिलीवर द लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इंडिया स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स ऑन द 26th ऑफ अक्टूबर 4 PM एट द रंग भवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी प्रेमिसेस पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द इवेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आज आपके साथ हूं मैं, जयति। हो पायलिया हो
पायलिया हो पायलिया हो तेरी पायलिया शोर मचाए नींद चुराए होश उड़ाए मुझको पास बुलाए और अब्बा हो पायलिया गीत सुना
खैर शिकायतें ना बहुत खूबसूरत होती हैं। थोड़े से सब्र की जरूरत होती है और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। सब्र की जरूरत उसे होती है जो शिकायतों को सुन रहा होता है, और ध्यान देने की जरूरत भी उसे होती है जिससे शिकायतें की जा रही हैं, यानी जो सुन रहा होता है। अगर आपसे किसी को शिकायत हो गई और जनाब दूसरे ने शिकायत करनी शुरू कर दी, और अगर आपने बात आई गई कर दी, तो फिर तो शिकायतों का सिलसिला जरा लंबा हो जाएगा। पर शिकायतें प्यार को रिन्यूअल करने का, यानी एक बार फिर से जी लेने का मौका देती हैं, रिश्तों को तरोताजा करने का मौका दे देती हैं शिकायतें। अगर कोई शिकायत ही ना करे तो फिर हमारे दिमाग में जो रिमाइंडर वाली बत्ती है उसे कौन जलाएगा। इसलिए तो होती हैं शिकायतें कि आप शिकायतें करते रहिए और सामने वाला प्यार से एक एक करके आपकी तमाम शिकायतों को दूर करने की कोशिशें करते रहे। पर वहां आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है, उन कोशिशों को दिल से स्वीकार करते जाइए, सराहते जाइए जनाब, फिर देखिए जिंदगी कितनी सुंदर हो जाती है। और इसीलिए शायद किसी ने इतनी खूबसूरत सी बात कह दी, दूर कर दूं मैं सब शिकायतें तुम्हारी, दूर कर दूं मैं सब शिकायतें तुम्हारी, तुम थोड़ी दूर मेरे साथ तो चलो, नजदीक आओ पास बैठो मेरे, नजदीक आओ पास बैठो मेरे कुछ देर, तुम मुझसे बात तो करो, कुछ देर तुम मुझसे बात तो करो, दूर कर दो मैं सब शिकायतें तुम्हारी, तुम थोड़ी दूर मेरे साथ तो चलो। जिए तो जिए
जैसे चांद उतरे आसमां से, तेरा मिलना जैसे चांद उतरे आसमां से, जैसे खुशबू महके यूं हवा में, तेरा मिलना जैसे चांद उतरे आसमां से। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं जो हो रहा है ये कहीं। तुझे बसाया यूं आंखों में कहीं, पाया जो चाहा लेके खुशी, तेरा मिलना जैसे चांद उतरे आसमां से, तेरा मिलना जैसे चांद उतरे आसमां से। वक्त आ चला है आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। यहाँ छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया।
लौटाए। ओ रब्बा कोई तो बताए चैन होता है क्या जैसा मेरा खो गया सबका खोता है क्या जैसा मेरा खो गया सबका खोता है क्या।